काउंसिलर साहिबा मोहतरमा शमीमा रेहान खान साहिबा को कि वचन सब आप सबके सामने रखें। आज हमारे सर भाई ने जिस तरह से इस दिनी प्रोग्राम को आज असही रस्ता खुलना हॉल में इन्हें काट किया है, सबसे पहले सोहेल भाई उनके साथ जो लोग हैं उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे सीनियर हमारे भाई चचा और सामने हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, सिर्फ हम इतना कहेंगे कि ये प्रोग्राम इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं लेकिन इस्लामिक प्रोग्राम बहुत कम होता है और इसकी जरूरत है, क्योंकि अगर हम दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलेंगे कामयाबी उसी में है, क्योंकि दीन हमें आकीदत की तैयारी है और दुनिया हमें रोजी रोटी, तो दोनों ही चाहिए, जिंदगी के लिए दोनों ही बहुत जरूरी है। और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अगर दीनदार रहेगा तो कम से कम जिंदगी तो कट जाएगी, लेकिन मरने के बाद कम से कम कुछ पढ़ के हमको भेजेगा, हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है, लेकिन अभी हम लोग इससे बहुत भूल जा रहे हैं। और दूसरा मसला है मोबाइल का, मोबाइल इतना ज्यादा मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जो चल नहीं पा रहे, उन्हें पता है कि मोबाइल देखेंगे तो हम खाना खाएंगे, मोबाइल देखेंगे मतलब। और हमारी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और खुद भी दूर रहें, क्योंकि हम अगर किसी के घर अगर हम लोग जाते हैं या हमारी बहनें आती हैं तो हर घर का सिस्टम है इस हर कोई मोबाइल में लगा हुआ है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मोबाइल में लगा हुआ, और किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आगे से बात कर सके, क्योंकि वो मोबाइल देखना इसके जो आता है उसको भी ठीक से मतलब इस्तेमाल करना, उससे बात करना, क्योंकि लगता है कि ये प्रोग्राम अभी छूट जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगी, ये प्रोग्राम देखे वो प्रोग्राम देखे, इसमें हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। अगर सही पूछा जाए तो हम लोगों का टाइम पास नहीं हो रहा, हम लोगों की बर्बादी हो रही है, क्योंकि बच्चे ये प्रोग्राम देख कर मोबाइल देख कर पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, दीन से दूर होते जा रहे हैं। और हम लोग मेरी यही गुजारिश है कि शोएब भाई के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, इस पर हम लोग ध्यान दें और हम लोग बड़ी बारीकी से सोचें कि हमारा इस्लाम क्या है। अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम कलाम पाक की तिलावत करते हैं तो कलाम पाक जो है उसमें पूरा जिंदगी का जीने का तरीका है, कैसे हमें बात करना है, कैसे हमें खाना खाना है, कैसे रहना है, कलाम पाक में पूरी जिंदगी का रहने का तरीका लिखा हुआ है। अगर माने के साथ हम पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे कभी भटकेंगे नहीं, वो सही रास्ते पे रहेंगे और हमें उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कलाम पाक ऐसी चीज है कि अगर कोई दूसरी कौम अगर उसको पढ़ती है जब वो उस पर मतलब ध्यान देती है, क्योंकि हमने सुना है देखा है कि अगर उस पर जो है कलाम पाक जो पढ़ेगा माने पढ़ेगा तो बहुत सारी चेंजिंग आती है। तो हमारी बहनें यहाँ मौजूद हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे हम नहीं बोले दीन और दुनिया दोनों को लेकर चले, क्योंकि अगर कलाम पाक पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएंगी, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने के बाद वो भी एक सत्कार जारी है, जितना पढ़ेंगे और जितना बांटेंगे उतना कम होगा, क्योंकि पढ़ाई कभी छिनती नहीं है। अगर हम कुछ डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन जाते हैं तो उसको अगर हम जितना बांटेंगे लेकिन कभी कम नहीं होगा और बढ़ते ही जाएगा। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो ये शोएब भाई हमारे प्रोग्राम कर रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो खूबसूरत दीन का बगीचा लगा हुआ है और जहाँ दीनी तालीम होती है वो अल्लाह ताला की रहमत बरसती है, आज यहाँ पर इस हॉल में रहमत बरस रही है। और हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को और अच्छा हो और अच्छी तरीके से, और हम आप सबके साथ हैं, उसके साथ साथ अशरफ हमारा भतीजा उसका तो निशानी नहीं थी, जिस तरह वो प्रोग्राम है और जिस तरह के वो काम करते हैं, समझ लो कि दीनी तालीम दुनियावी तालीम दोनों में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हम अशरफ के लिए दुआ करेंगे और शोएब भाई के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम इतना अच्छे प्रोग्राम है, इसी तरह के प्रोग्राम अगर होते रहे तो हमारे बच्चे दीन से दूर नहीं रहेंगे।
इंशाल्लाह एक बार जोरदार ताली बजा देंगे इधर सरकारी करें हमारे वार्ड कमिश्नर मोहतरमा समीमा रेहान खान साहिबा का। अब मैं देर ना करते हुए आगे का